आज हम खुलासा करने वाले हैं एक और नए टॉपिक का। फ्रॉड कैसे करते हैं लोग, कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, उन सभी के बारे में मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं अपने इस चैनल के ऊपर। लेकिन आज मेरे पास आया है एक और नया तरीका जिसको भी लोग छोड़ते नहीं है, और जो फ्रॉड करते हैं चाहे वो कोई सा भी तरीका अपना लो मेरे दोस्तों, मैं उनको भी नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं उनके जो जो नए नए तरीके मुझे पता लगते जाएंगे उनके सभी के बारे में मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम खुलासा करने वाले हैं टेलीग्राम पे कैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। टेलीग्राम आप में से मोस्टली यूजर शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो उन्हें मैं बता देता हूं। टेलीग्राम एक मैसेंजर ऐप है, जैसे सेम व्हाट्सएप है, सेम सिमिलर उसी तरीके से टेलीग्राम भी एक ऐप है जिसके थ्रू आप चैटिंग कर सकते हो, अपना ग्रुप्स वगैरह बना सकते हो, किसी का चैनल बना, जैसे आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हो तो मेरी वीडियो देख सकते हो, उसके चैनल के साथ जुड़े हो तो वो ऑफर और अपडेट देता है उसके बारे में भी देख सकते हो। ठीक है, अभी जैसे कि आपको पता ही है कुछ सेल का टाइम आएगा दिवाली के आसपास, और काफी सारे चोर लोग इस टाइम पे एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव किस तरीके से हो जाएंगे ये यार एक चीज बताओ मुझे। मैं ये मान के चलता हूं सेल के टाइम पे कोई चीज अगर ऑफिशियली उनकी साइट पे, मान के चलो अमेजन फ्लिपकार्ट है, उनकी साइट पे ऑफिशियली कोई चीज 10,000 की आपको 8,000 में बिक रही है, 7,000 में बिक रही है, 9,000 में बिक रही है, 5,000 में बिक रही है, एक्स वाई जेड कुछ भी, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा उनकी, वो किसी भी रेट में ही दे सकते हैं अगर मैं एक ट्रस्टेड साइट की बात करूं। लेकिन अगर आपको मैं ये पर्सनली कहूं कि कोई ब्रांडेड मोबाइल है, चाहे वो सैमसंग का है, रेडमी का है, किसी का भी है, वो आपको मार्केट प्राइस से मैं 50% में दिलवा दूंगा, क्या ट्रस्ट करोगे आप मेरे ऊपर? नहीं करोगे। वैसे ही टेलीग्राम पे बहुत सारे चोर लोग घुस चुके हैं। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, मैं आपको हो सका तो इधर दिखा दूंगा, नहीं तो मैं बेसिकली समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं दिख पाएंगे आपको, यहाँ पे जूम करना पड़ेगा या आपको पोस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ ये लोग क्या करते हैं। दो तरीके से आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, पहला तरीका ऑनलाइन, दूसरा तरीका है ऑफलाइन। ऑनलाइन में तो आप शायद बच जाओगे, लेकिन ऑफलाइन में कुछ लोग फंस जाते हैं। अब ऑफलाइन वाले ना, उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कहां पे ये लोग दिमाग लगाते हैं। ऑफलाइन में ये लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन में क्या करेंगे, चलिए मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना यार, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको काफी अवेयरनेस वाले वीडियो देखने को मिलेंगे। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो अपनी तरफ से इसे लाइक दे दीजिएगा, फ्री का होता है दे देना। चलिए फटाफट से हम बात करते हैं। पहले तो ये बात करता हूँ ऑनलाइन का। अब ऑनलाइन में ये लोग क्या करेंगे, आप भी बोलेंगे कि भैया 10,000 का मोबाइल मैं आपको 5,000 में दिलवा रहा हूं। कौन बोलेगा? टेलीग्राम पे आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए होते हो ना। हाँ, मेरा भी टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, या आप एनके टेक्निकल के नाम से सर्च कर सकते हैं। मैं भी काफी सारे अमेजन फ्लिपकार्ट, मैं बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ उस ग्रुप में, आपको काफी सारे प्रोडक्ट के शो करता हूँ आपके सामने, आपको जो पसंद आता है आप ट्रस्टेड साइट से जाके खरीदो, मेरे को कुछ भी देने की जरूरत नहीं, उन साइट पे आपको जो कुछ करना सब कुछ उन्हीं को करना है। ठीक है, ये तो बात होगी केवल एफिलिएट मार्केटिंग करने वालों, मैं सभी को नहीं बोलता हूँ, सारे चोर होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अपना गंदा काम भी स्टार्ट कर चुके हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपको बोलेंगे 10,000 का जो फोन है मैं आपको भाई 5,000 में दिलवा देता हूँ। अब 5,000 में दिलवाने के नाम से आपके माइंड में थोड़ा सा लालच चालू हो जाता है कि यार बॉस सही है यार, 10,000 का फोन है मैं 5,000 में। यार आप एक थोड़ा सा लॉजिक वाली चीज लगाओ, पॉसिबल है? हाउ इज दिस पॉसिबल दिस? लेकिन लोग दिमाग नहीं लगाते। अब यहाँ पे क्या, ऑनलाइन तो आप शायद नहीं फंसोगे क्योंकि आपको भी थोड़ा सा लगेगा यार 10,000 की चीज 5,000 में मुश्किल है मिलना। ठीक है, अब आप दूसरा तरीका बता देता हूं। आप वहां पे उनको वो बोलेगा कि आपको अगर ऑनलाइन लेना है तो आपको एक काम करो, आधी पेमेंट मुझे दे दो, आधी पेमेंट आपको जब फोन आ जाए या मैं डिलीवरी लगा दूंगा, कुरियर पे लगा दूंगा तब दे दूंगा। भाई ये कुरियर वोरियर सब फेक भी हो सकते हैं, आपको जाकर के 50 रुपए 40 रुपए कुरियर में खर्च करेगा, आपको रिसीट दिखा देगा आपके नाम और एड्रेस की, भैया मैंने कुरियर लगा दिया, वो उससे पर्ची कटवा के वो प्रोडक्ट खुद के पास ही रख लेगा और आप कुछ लगाएगा भी नहीं। ठीक है, ये तो बात हुई है। अब बात करते हैं ऑफलाइन किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ऑफलाइन में ये लोग क्या करेंगे, मैं आपको समझा देता हूं। जो आज के टाइम पे चल रहा है, चाहे आप किसी भी साइट से आप सामान मंगवा लो, अभी अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी कोई प्रोडक्ट मंगवाया तो आप उस प्रोडक्ट को घर पहुंचने के बाद पैसे दे सकते हो। मानता हूं आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि यार ये बंदा, ये जो प्रोडक्ट है मेरे घर तक पहुंच गया, उसके बाद आप पैसे दे दोगे। लेकिन उस प्रोडक्ट में है क्या, ये कैसे पता लगाओगे बिना खोले? पैसे तो आपने दे दिए, वो कोरियर वाला जो बंदा आएगा, पोस्ट ऑफिस का जो बंदा आएगा, वो बिना पैसे के आपको हाथ नहीं लगाने देगा पार्सल के, खोलने नहीं देगा पार्सल को। और खोल लिया आपने तो आप रेस्पॉन्सिबल हो गए, उस कोरियर में जो भी निकलेगा आपको कोरियर वाले बंदे को पैसे देने ही पड़ेंगे लीगली। अमेजन या फ्लिपकार्ट या बाकी जो ट्रस्टेड साइट है, चाहे पेटीएम मॉल हो गया वगैरह वगैरह, जो भी
ट्रस्टेड है वहां पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा नहीं आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा थर्ड पार्टी वाला बंदा है, चाहे मैं ही हूं चाहे कोई दूसरा है, वो अगर आपको वहां कोरियर भी भेज देता है, कोरियर के अंदर साबुन की टिकिया निकली जाती है, तो क्या करोगे आप फोन की जगह या 200 ग्राम का कोई पत्थर रख के भेज दिया, और इस तरीके से पार्सल में पैकिंग वैकिंग किया या फोन का कोई खाली डब्बा लिया उसमें पैकिंग वैकिंग किया, घर पहुंच गया, आधे पैसे आपने ऑलरेडी उसको दे दिए, और वो आधे पैसे भी छोड़ो आपने मान लो एक रुपया भी नहीं दिया था, लेकिन आपने जो कोरियर वाला बंदा है उसको तो पैसे पकड़ा दिए, वो बंदा तो वहां तक पैसे पहुंचा देगा, उसको कोई मतलब नहीं अंदर क्या चीज। तो मेरे दोस्तों बस मेरा आप लोगों से इतना सा निवेदन है कि ऑनलाइन शॉपिंग को करो आप, लेकिन थोड़ी सी अपनी समझ से, थोड़ी सी अपने अवेयरनेस के साथ। कोई अगर आपको ऑफर मिलता है तो उसे लूटने के चक्कर में अपने जो पैसे हैं उनको गवा मत देना। आप गवा दोगे अपने पैसे, चुटकियों में लोग आपके पैसे लेके फरूर हो जाएंगे, फिर बाद में आपको ब्लॉक कर देंगे। आप कितना भी चाहे पुलिस में कंप्लेंट करना, साइबर क्राइम में कंप्लेंट करना, कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है। 2-4, 5-10 हजार के लिए आप भी ज्यादा माथा बच्चे नहीं करोगे और फिर आगे कुछ नहीं होने वाला। तो आई होप आज के वीडियो में जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी जरूर से कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपनी तरफ से इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे यदि पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का, मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद।